नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। और बुलेटिन में बात सबसे पहले नूह की। नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने के लिए नूह दंगों का प्लान तैयार किया गया। यह सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंसा के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी राजस्थान के उन इलाकों से हुई है जहां से नासिर और जुनैद का कनेक्शन था, और वहीं पर यह तमाम इलाके नूह से महज 50 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। क्या है नूह दंगों की इनसाइड स्टोरी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इकतीस जुलाई को बना नूह हिंसा का मॉड्यूल। वाया राजस्थान नूह में हुआ खूनी संग्राम। नासिर जुनैद का बदला लेने के लिए हुआ दंगा। पंद्रह फरवरी 2023, ये वो तारीख थी जब राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर जुनैद लापता हुए थे, और 16 फरवरी को इन दोनों की लाशों के जले हुए कंकाल हरियाणा के भिवानी में मिलते हैं। इन दोनों के हत्याकांड के ठीक 6 महीने बाद तारीख आती है 31 जुलाई, जब हरियाणा के नूह मेवात समेत कई जिलों में दंगा होता है। आखिर इन दोनों तारीखों का कनेक्शन क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो हरियाणा में हुए दंगों का इस हत्याकांड से कनेक्शन बनाने के लिए काफी है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह मेवात समेत कई जिलों में हुई हिंसा के तमाम चैप्टर अब खुलने लगे हैं। उस खूनी संग्राम के प्लान का एक एक पन्ना बेनकाब होने लगा है, और अब जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। नूह हिंसा को भिवानी के जंगलों में हुई नासिर जुनैद की हत्या के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। दंगाई ऐसा तांडव मचाते हैं कि अब तक वहां हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। नूह दंगों पर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी राजस्थान से उठी थी, क्योंकि हिंसा के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी राजस्थान के अलग अलग जिलों से हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी भरतपुर और अलवर जिले के मेवात इलाके के गांव से वहां पहुंचे थे, और अब भी कई लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमें तो बड़ा दुख है जी। दूसरे दिन गांव में हैं हमारे मुस्लिम समाज के भी, हमारे हिंदू समाज के भी, बता रहे कि भाई यहां से राजस्थान नंबर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, पिकअप वगैरह काफी निकली हैं। इतना ही नहीं, नूह में हुई हिंसा के बाद पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि हिंसा को अंजाम देने के लिए 10 दिन पहले से ही प्लान तैयार किया गया था। नूह में हुई हिंसा सुनियोजित थी, दंगों का प्लान 10 दिन पहले बना था। यात्रा को घेर कर हमले की साजिश बनी। नासिर जुनैद की हत्या का बदला लेने का प्लान था। नूह हिंसा के लिए कई ग्रुप बनाए गए थे, और बकायदा सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक किसी को पेट्रोल जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और कोई पत्थरों और बोतल के इंतजाम में लगा था। एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत में हमारी पुलिस काम करती है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही कैलेंडर में 31 जुलाई की तारीख आती है, तब तय प्लान के मुताबिक दंगाई अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, और निशाने पर होती है नलहर शिव मंदिर से निकलने वाली ब्रिज मंडल शोभा यात्रा। 31 जुलाई से अब तारीख आ चुकी है 6 अगस्त, यानी दंगों को 7 दिन बीत चुके हैं, और प्रशासन तूफानी अंदाज में कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सबसे पहले प्रशासन का बुलडोजर नलहर शिव मंदिर के आसपास काबिज उन अवैध ठिकानों को हटाता है जहां से दंगाइयों की भीड़ हमला बोल रही थी। हरियाणा सरकार हिंसा में शामिल हर एक दंगाई को सबक सिखाने में तेजी से जुटी हुई है। पिछले 3 दिनों से हिंसा प्रभावित इलाकों में कई अवैध इमारतें जमींदोज कर दी गईं। हालांकि प्रशासन ने इन्हें गिराने के लिए पहले ही नोटिस दिया था। नूह हिंसा के बाद अब हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने वाली रोड है, और उसके पास जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वालों को बुलाया गया है, और एक साथ 3-3 बुलडोजर के जरिए जितना भी अवैध यहाँ पर निर्माण था उसे गिराया जा रहा है, और पूरे इलाके में नज़र रखने के लिए बाकायदा ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिए
पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई भी इस बुलडोज़र एक्शन में की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश ना करें। ये आप ये देख सकते हैं। कुछ लोग खट्टर सरकार के बुलडोज़र एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसे सही बता रहे हैं। ये आपको कोई नोटिस दिया गया था क्यों अभी? नहीं, ये दुकान हमारी नहीं है, भांजे की दुकान है और वो घर गया हुआ है। हाँ। और नोटिस आया होगा तो जो दुकान मालिक है उसके पास आया होगा। तो क्यों गिरा रहे हैं कुछ बताया है? अब ये है तो वैसे इनलीगल, गिर रही है तो अच्छा है। अच्छी बात है गिरी है तो भैया, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहे कि गिरेंगे क्योंकि हमारी ये दुकान किसी और की नहीं है, ना इनकी दुकान है, ये सरकार की दुकान है ना, जबरदस्ती उस पर कर रखा है इनको, इसलिए जबरदस्ती कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा है सरकार की है ये सारी कुछ। कल नूह में नलहर रोड पर सुबह दुकानें तोड़ी जा रही थी तो शाम होते होते बुलडोजर तिरंगा चौक तक पहुंच चुके थे। यहां बने सहारा रेस्टोरेंट को भी तोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर सहारा रेस्टोरेंट से भी पथराव हुआ था जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा में पथराव करने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद उनकी संपत्तियों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नूह का सहारा रेस्टोरेंट और होटल है। 3 मंजिला इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीके से अवैध रूप से बने इसी होटल की छत के ऊपर से दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया था। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रशासन केवल मुसलमानों के घरों को गिरा रहा है जबकि दूसरे आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप पूरे के पूरे? और जो वीडियो जारी किए कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियो में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में रोड ब्लॉक किसने किया? इधर हरियाणा के प्रशासन का दावा है कि जिन घरों और दुकानों को तोड़ा गया ऐसा नहीं है कि वो सभी घर और दुकानें दंगाइयों के नाम पर हैं, लेकिन इनमें से कुछ घर और दुकानें ऐसी हैं जो दंगाइयों के हैं और बुलडोजर एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। ये 2.5 एकड़ में ये इनक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। वहीं हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और खास तौर से एक मामन खान है जिन्होंने प्याज की तरिया फोड़ देना जैसे कि उसने वहाँ बयान दिए थे जिससे इससे हमारे हिंदू भाइयों में भी आक्रोश था, लेकिन जो मोनू माने सर ने जो बात कही थी उसने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही थी। तो चलिए अब हम आपको कांग्रेस विधायक मामन खान का वो बयान भी सुना देते हैं जो हिंसा की असली वजह माना जा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवासियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यास ही ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। हालांकि पुलिस ने इन दावों पर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि दंगे के वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है और सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी इस तरह की अफवाह है या कोई भी अंदरगल बातों को सोशल मीडिया पे फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चेतावनी दे रही हूं कि उनके इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा और हरियाणा पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाएगी। नूह हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। भले ही दंगों को रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम साबित रही हो, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन से एक मैसेज लाउड एंड क्लियर समझ आ रहा है कि दंगाइयों के ठिकानों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नूह से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।